नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खालसा तृतीय शताब्दी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर बसों में यात्रा करनी पड़ रही है। कॉलेज तक स्पेशल बस लगाए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठन के प्रतिनिधि पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। संबंधित विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज उपरोक्त बस खचाखच भरी हुई थी। मीडिया ने छात्रों की समस्या को गंभीरता से उठाया, फिर भी सरकार अतिया विभाग प्रशासन को मुकली नींद सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का निठल्लापन नजर आ रहा है। क्या कोई बड़ी घटना होने से पहले प्रशासन की नींद नहीं खुल सकती? हरियाणा छात्र यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि बस सुविधा की मांग को लेकर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए छात्र तैयार हैं। उनकी समस्या की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना के होने का इंतजार कर रहा है। आज का वीडियो देखें कि कैसे जान जोखिम में डालकर छात्रों को कॉलेज आना जाना पड़ता है। अब सरकार को कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हरियाणा छात्र यूनियन से रवि रतिया। जैसा कि पता होगा कि आपको पिछले जो दो साल से गवर्नमेंट के टी कॉलेज के अंदर जो बस की समस्या है उसको लेकर काफ़ी बार हमने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। उस दिन हमने माननीय मूलचंद जी जो परिवहन मंत्री है उनके पीए से भी बात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कॉलेज की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो लोकल विधायक जी हैं और जहाँ के जीएम जी हैं उनको सब पता है। रोज़ टीवी के अंदर, अखबार के अंदर ये आ रही है कि कैसे गवर्नमेंट के डी कॉलेज के छात्र हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन विधायक और जीएम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इस हादसे का जिम्मेवार कौन होगा? क्या विधायक जी इस हादसे के जिम्मेवार होंगे या जीएम साहब इस हादसे के जिम्मेवार होंगे? इसलिए अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता तो हम बहुत धरना इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ का प्रशासन और एकदम निठल्ला है। हम तो माननीय विधायक से भी निवेदन करते, माननीय विधायक जी आपके रतिया के अंदर गवर्नमेंट के टी कॉलेज में अंदर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का हल करवाएं, और जहाँ के जीएम से भी निवेदन है कि जल्द से इन समस्या का समाधान करवाएं ताकि एक बड़ा हादसा होने से बचा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।